हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो कॉन CRT टीवी मेरे पास आया हुआ है, जो कस्टमर का कहना है कि इसमें जो पिक्चर है, पिक्चर बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। मेरे पास सेटअप बक्स भी है और इसका लिड लगा कर हम चेक करेंगे। सबसे पहले टीवी को ऑन कर लेते हैं। टीवी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगता है कि टीवी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर ब्लू लाइट आ गया है, लेकिन अभी ए वी में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सेटअप बस का जो वैल्यूम है, वैल्यूम को पूरा फुल कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए, मैंने वैल्यूम को पूरा फुल कर दिया और उसके बाद में जो लीड है यहाँ रेड वाला ऑडियो में है और वाइट वाला जो है वीडियो में है। तो उसी के हिसाब से हम टीवी में भी जो वाइट वाला है और वीडियो में लगाएंगे और रेड वाला ऑडियो में लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लीड को लगा दिया और यहाँ रिमोट से ये भी करना होगा। तो चलिए रिमोट से हम ये भी कर के देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, टीवी के स्क्रीन पर जो पिक्चर है, पिक्चर बिल्कुल सही है और टीवी का भी वैल्यूम पूरा फुल कर दिया है, 63 तक है तो फुल है, और सेटअप बॉक्स का भी साउंड फुल है, लेकिन फिर भी इसमें जो है साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अंदर में कौन सा आईसी इसमें लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले हमको स्पीकर चेक करना होगा। तो स्पीकर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो लीड लगा हुआ है, इस लीड को निकाल देना है। तो चलिए इस लीड को निकाल कर सबसे पहले हम दोनों साइड का स्पीकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है और रेड और ब्लैक प्रोब को इस तरह से कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो दोनों पॉइंट पर रखकर सबसे पहले स्पीकर को चेक कर लेंगे। देख रहे हैं, स्पीकर जो है बिल्कुल सही है, दोनों साइड में भी सही हो सकता है। और यदि ये सही है तो एक स्पीकर बजना चाहिए जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने इस लीड को निकाल दिया है और आईसी का नंबर है। तो चलिए कैमरा सामने करके देख लेते हैं। आईसी के नंबर इस पर दिया है TDA 7266M, जो कि AIC बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर टीवी में 7297, 7265 इस तरह से करके आता है। इसमें टोटल जो पिन है 15 पिन इसमें टोटल दिया है। तो TDA 7266M आईसी हम अभी पहला बार टीवी को ऑन करने के बाद में इसमें देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्क्रोप खोल के देखते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। और अभी ये जो आईसी है मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो आईसी यदि ख़राब हो सकता है तो यहाँ पर हमको दूसरा आईसी लगाना होगा। और यदि यह सही हो जाता है तो ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, एक और दो स्पीकर के लिए है और 14-15 स्पीकर के लिए है। और 3 नंबर जो आईसी है 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट मिलता है और जो म्यूट है 5 वोल्ट सप्लाई 6 पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि कौन सा पिन पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। जो आप यहाँ कंडेंसर देख रहे हैं, ये प्लस माइनस के लिए है, तो यहीं से सप्लाई जो है आईसी के पिन नंबर 3 पर जाता है। तो यहाँ जो फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ है प्लस माइनस का, तो यहाँ से जो सप्लाई है आईसी के पिन नंबर 3 पर इस तरह से जाता है। तो यहाँ सप्लाई जो है हम चेक करेंगे कि सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद में आईसी के पिन नंबर 3 से और आईसी के पिन नंबर 13 पर सप्लाई
12 वोल्ट के आसपास में मिलना चाहिए। तो चलिए मल्टीमीटर को, रेड वाला लीड को 10 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं और ब्लैक वाला जो लीड है कहीं पर ग्राउंड में हम लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पिक्चर ट्यूब के ग्राउंड पर मैंने ब्लैक वाला लीड को लगा दिया। अब इसमें सप्लाई देकर हम चेक करेंगे कि आईसी के पिन नंबर 3 पर और 13 पर 12 वोल्ट सप्लाई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए टीवी को हम यहाँ रिमोट से ऑन करके आईसी के पिन नंबर 3 पर और 13 पर सप्लाई चेक करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं 3 पर और 13 पर सप्लाई जो है बिल्कुल सही है और आईसी भी जो है आईसी हीट भी नहीं हो रहा है, आईसी में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आईसी जो है बिल्कुल ठंडी की ठंडी है। तो यहाँ पर हम एक अलग से स्पीकर रखे हैं, तो चलिए इस स्पीकर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं और इसी स्पीकर के मदद से हम जो कि सीधी में करेंगे तो चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलग से एक स्पीकर ले लेते हैं। और जो है एक और दो के आईसी के एक और दो के पिन पर हम स्पीकर का वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। देख रहे हैं इधर से जम्पर किया हुआ है, एक दो वायर का जम्पर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि आईसी के एक और दो नंबर पिन पर वायर सोल्डिंग कर लेंगे स्पीकर का और उसके बाद में हमको चेक करने में सुविधा होगा, इसलिए चलिए सबसे पहले हम सप्लाई इसमें चेक दे लेते हैं। और टीवी में देख रहे हैं सप्लाई आ चुका है और चलिए टीवी को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो टीवी को ऑन कर दिए हैं हम और उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर अंगुली रखकर चेक करेंगे। हमिंग का यदि आवाज़ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो हमिंग का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर रेड वाला प्रोब को 10 वोल्ट डीसी के रेंज में रखकर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक वाला ग्राउंड में रख लेते हैं। तो दोस्तों आईसी के पिन नंबर 6 से हमको म्यूट सप्लाई चेक करना है जो कि 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 13 पर तो 12 वोल्ट सप्लाई बिल्कुल सही मिल गया। उसके बाद में आईसी के पिन नंबर 6 पर हमको 5 वोल्ट सप्लाई चेक करना है। 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास में आईसी के पिन नंबर 6 पर मिलना चाहिए। तो इधर से हम 1 2 3 ऐसे गिनती करेंगे तो आईसी के पिन नंबर ये जो है 6 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल जो है 1.5 वोल्ट के आसपास में यहाँ सप्लाई जो है मिल रहा है। तो ये जो है आईसी का पिन नंबर 6 है तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट के आसपास में 1.5 वोल्ट से भी कम है सप्लाई। तो इसी को हम चेक करते जाएंगे कि इसका ट्रैक है कहाँ से कैसे जाता है। तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ जो 6 नंबर है तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सप्लाई उतना ही मिल रहा है। तो इसी ट्रैक के अनुसार हम पकड़ते जाएंगे कि कहाँ से कैसे सप्लाई इस पर मिलना चाहिए, 6 वोल्ट के 5 वोल्ट के आसपास में सप्लाई इस पर मिलना चाहिए। तो इधर से जो है एंड हो जाता है, यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होता है। तो उसके बाद में पिन नंबर 7 से स्टैंड बाई वाला जो सप्लाई है जाता है, तो स्टैंड बाई से सप्लाई होकर पिन नंबर 6 पर जाता है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया होगा या रेजिस्टेंस कट गया होगा। तो चलिए ऑडियो वीडियो लीड जो है लगाकर हम चेक करके शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं कि साउंड जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से शॉर्ट करने के बाद में साउंड जो है बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसका कारण है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया होगा या रेजिस्टेंस कट गया होगा। तो इसको आप चाहे तो डायरेक्ट सोल्डिंग भी कर सकते हैं, जम्पर मार सकते हैं यहाँ पर, या तो उसके नंबर के अनुसार दूसरा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस रेजिस्टेंस को ओपन करके और यहाँ पर मैंने दूसरा रेजिस्टेंस लगा कर एक बार और चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम निकाल दिए हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है।
दोस्तों देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है करीब करीब 1 ओम्स का आसपास में रेजिस्टेंस होगा। इसका नंबर जो है पता नहीं चल रहा है, इसका कलर थोड़ा सा मिट गया है तो ऐसे मालूम नहीं चलता है। तो चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर के से चेक करने के बाद में कंटिन्यूटी शो है, इसका कंटिन्यूटी पूरा फुल नहीं बतला रहा है, तो हमको पूरा फुल कंटिन्यूटी बतलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है, इस रेजिस्टेंस का नया वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू और पुराना वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू सामने स्क्रीन पर है। तो सेम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ नया वाला रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। उसके बाद में फिर टीवी को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ चलिए मैंने टीवी में सप्लाई दे चुके हैं और टीवी को अब ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में देख रहे हैं यहाँ सप्लाई चेक करने के बाद में 5 वोल्ट के आसपास में सप्लाई बिल्कुल मिल गया और साउंड भी बिल्कुल सही हो गया है। तो उसके हिसाब से यदि इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आईसी के नंबर के अनुसार डाटा शीट निकाल लेना चाहिए, कितने नंबर का आईसी है और उसके किस पिन पर कितना वोल्टेज सप्लाई मिलना चाहिए। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये पहली बार मैंने इसको सर्विस किया है, तो खास इसमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी वोल्टेज चेक करते हुए इसको मैंने ठीक किया है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जितने भी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।